हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मैं खुद का एक कोर्स ला रहा हूँ, गेटिंग स्टार्टेड एज अ गेम डेवलपर। इस कोर्स के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे फ्रॉम जीरो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, गेम डेवलपर बनना है, उसकी गाइडेंस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको उस कोर्स से सीखने मिलेगी। और साथ ही साथ 31 मार्च तक इस कोर्स के ऊपर एक 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है। सो 31 मार्च के पहले अगर आप इस कोर्स को ऑप्ट करते हो तो आपको यूज़ करना है कोड GAME25 और 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द लिस्टेड प्राइस। सो जल्दी कीजिए यार, रजिस्टर कर दीजिए। और 31 मार्च के बाद अगर आप करते हो तो फिर NKM10 करके एक कोड है, उसको यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट पा सकते हो। सो ये कोड को यूज़ कीजिए और डिस्काउंट पाइए। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि यार ऑनलाइन कोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। सो दोस्तों, पहले की तारीख में जब आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते थे उसके लिए आप ट्यूशंस लगाते थे, फिजिकल ऑफलाइन ट्यूशंस होते थे। अब आज की तारीख में सिंस इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास, तो उस वजह से सीखना जो है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक हो गया है। और मोर और लेस सारे के सारे जो कोर्सेस है वो आपको अच्छे खासे प्राइस पे मिल जाते हैं, या फिर कुछ कुछ चीज़ें तो आपको फ्री में भी सीखने मिल जाती है। सो फ्री रिसोर्सेज भी है अवेलेबल और पेड रिसोर्सेज भी है। अब आप सोचोगे कि यार पेड रिसोर्सेज जो है, पेड कोर्सेज जो है, उनको क्यों ऑप्ट करना चाहिए और उनसे हम लोग को फ़ायदा क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जब आप कोई भी फ्री कोर्सेज को ऑप्ट करते हो तो उस टाइम पे आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर नहीं रहता कि यार मुझे ये चीज़ अभी कंप्लीट करनी है, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ कमिटमेंट नहीं रहती। आपको लगता है कि यार मेरे को ये स्किल सीखनी है, आपको इंटरेस्ट है, बट आपकी साइड से कुछ कमिटमेंट नहीं रहती। आपको अगर कल लगता है कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए तो फिर आप वो छोड़ दोगे, तो फिर भी आपको कुछ इशू नहीं होगा। बट अगर आप किसी चीज़ के बारे में सीरियस हो और वहाँ पे आपने थोड़े पैसे लगा दिए, इट कैन बी एनी अमाउंट, अ स्मॉल अमाउंट एज स्मॉल एज 500 रुपीज़, या फिर कोई 10,000 का कोर्स हो, वट एवर इट इज, या फिर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, ओके? एक बार पैसों की कमिटमेंट लग गई उसके ऊपर फिर बाद में आपके ऊपर एक मेंटल ब्लॉक रहता है कि यार मेरे को अभी ये चीज कंप्लीट करनी है। दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर पेड कोर्सेज, बिकॉज वहां पे आपकी एक मॉनेटरी कमिटमेंट लग जाती है और आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि यार मैंने इसमें इतने पैसे डाले हैं, अब मुझे इसको कंप्लीट करना है। सेकेंड चीज़ अब रहती है कि सिंस ये सारे कोर्सेज जो है वो अभी ऑनलाइन हो गए हैं, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फिक्स्ड टाइम कमिट करना है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्सेज है उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है, और जिस हिसाब से आपको उनको कंप्लीट करना है उस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे पहले इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते थे या फिर ऑफलाइन क्लासेस होती थी, राइट? उसमें एक फिक्स्ड टाइम रहता था कि 7 से लेकर 8 बजे तक ये क्लासेस रहेगी, उसके बाद अगर 7 बजे आप नहीं पहुंच पाए तो फिर आपका वो क्लास मिस हो गया। बट ऑनलाइन कोर्सेज में थोड़ी चीज़ें अलग रहती है। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या रहता है कि आपको अपने हिसाब से कभी भी आप उन कोर्सेज को अटेंड कर सकते हो। लाइव सेमिनार्स जो रहते हैं उनकी भी आपको बाद में रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है, तो उस हिसाब से आप अपने टाइम के हिसाब से कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो। आपके ऊपर एज सच कुछ प्रेशर नहीं रहता टाइम का कि यार आपको इतने ही टाइम में कंप्लीट करना है। एक बार आपने वो कोर्स खरीद लिया, उसका एक्सेस जो रहता है वो आपके पास लाइफ टाइम रहता है। इसका मतलब कि आप वो कोर्स एक बार खरीद लिया, फिर आप कभी भी बैठ के वो कोर्स को स्टडी कर सकते हो और उससे चीज़ें सीख सकते हो। थर्ड एडवांटेज इज सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशंस जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जज किया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, और वो एनेबल करने के लिए सर्टिफिकेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सर्टिफिकेट सिर्फ कलेक्शन के हिसाब से आप मत सोचिए, सर्टिफिकेट का वैल्यू समझिए। एक बार आपने वो सर्टिफिकेट ले लिया, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी वो कोर्स से चीज़ें सीखी है उसको प्रॉपरली आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है तो पोटेंशियल एम्प्लॉयर रहते हैं उनको एक अश्योरेंस मिल जाता है कि यार ओके, हम इसको हायर तो कर रहे हैं, तो हायर करने के लिए इसके पास एक बेसिक स्किल सेट है। दैट इज एन एनेबलर फॉर यू टू ऑप्ट फॉर अ जॉब। जब भी आप जॉब को जाओगे तो एक बार आपके सर्टिफिकेट्स अगर उन लोग देख लेंगे और वो सर्टिफिकेट्स अच्छे खासे रहे, प्रॉपर ट्रस्टेड सोर्सेज से रहे, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाता है। और छोटा सा प्लग मैं यहाँ पे ये भी कर दूँ कि मेरा जो कोर्स है, जो गेटिंग स्टार्टेड एज अ गेम डेवलपर है, वहाँ पे भी हम लोग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला है। दैट विल बी गिवन फ्रॉम माई साइड एंड अनअकैडमी। तो आपको उस कोर्स के थ्रू अच्छा खासा एक सर्टिफिकेशन मिलेगा।
साथ ही साथ गेम डेवलपर कैसे बनना है उसकी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। सो वंस अगेन अ शाउट आउट टू माय ओन कोर्स, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, शुड यू गो एंड बाय ऑनलाइन कोर्सेज? मोस्ट डेफिनेटली येस। एजुकेशन के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है, लुक एट देम एज एन अनलिमिटेड डिविडेंड इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने कोई भी स्किल सीख ली, उसके बाद उस स्किल को यूज करके आप उसको अनलिमिटेड तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में अगर आपने गेम डेवलपमेंट सीख लिया, ओके, आपको अभी आता है गेम बनाना, अब गेम्स बना के आप उसके अंदर एड्स चलाओ या फिर गेम डेवलपमेंट एज अ सर्विस किसी क्लाइंट को ऑफर करो या फिर इन ऐप परचेसेस से कमाओ। सो वो पूरा आपका स्किल सेट है। एक बार आपने गेम बना लिया, उसके बाद गेम को कैसे बेचना है, उससे कैसे कमाना है, दैट इज अ सेकेंडरी स्किल। सो दैट्स द रीजन व्हाई नॉलेज पेज द बेस्ट अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स। सो इसी वजह से अगर आपको लगता है कि यार खर्च नहीं करना चाहिए, यार खाली पड़ क्यों पैसे खर्च करे, कोर्सेज के लेके क्या फ़ायदा है, ये थॉट प्रोसेस दिमाग से निकाल लीजिए। सो सबसे पहली बात तो आती है, रिकैप करते हैं। सबसे पहला तो आपके ऊपर एक मेंटल ब्लॉक हो जाता है, एक मेंटल प्रेशर बन जाता है कि यार हम लोग ने पैसे खर्च किए हैं, अब तो यार ये कोर्स को कंप्लीट करना ही है। सेकेंड एडवांटेज है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ऑल्दो आपने पैसे खर्च किए हैं, एक प्रेशर बन गया है, बट टाइम का कोई प्रेशर नहीं है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकते हैं, उस हिसाब से आप अपने टाइम के हिसाब से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। थर्ड इज सर्टिफिकेशंस। एक बार आपने पूरा कोर्स कर लिया, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो वैलिडेट करता है कि आपने जो भी चीज़ें कोर्स में पढ़ी है वो आपको आती है। सो दीज थ्री आर दी एडवांटेजेस एंड दिस इज द रीजन वाई ऑनलाइन कोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी के ऊपर मैं एक कोर्स ला रहा हूँ, गेटिंग स्टार्टेड एज अ गेम डेवलपर। इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा करियर रोड मैप मिलेगा, साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आपके करियर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, दैट इज NKM10, तो आपको उस कोर्स के ऊपर 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो चेक दैट आउट एंड ऑल द बेस्ट टू यू।